Today we discuss one of the important thing that every aspirants require during the preparation time, that how can you stay motivated while preparing for NEET or JEE examination, right? Hello everyone, I am Nikita Saraswat, career psychologist at Toppers Academy. Today we discuss one of the important thing that every aspirants require during the preparation time, that how can you stay motivated while preparing for NEET or JEE examination, right? कि आप कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं थ्रू आउट आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें. वन बाय वन हम सारे टिप्स के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी, जिससे आपको एक इंस्पिरेशन मिल सकती है पूरा प्रोसेस जो आपका है नीट या जेई के लिए उसके लिए. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद इट, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे वो कहेंगे कि जो मोटिवेशन है, दैट सेल्फ मोटिवेशन, वो हमारी होनी जरूरी होती है. तो सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. मोटिवेशन दो तरीके से आ सकती है. इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल, है ना. एक्सटर्नल मोटिवेशन जो कोई हमें बोल रहा है, मोटिवेटर्स होते हैं जिन्होंने हमें बोला, हमने सुना, उस टाइम के लिए बहुत हम हाई पीक पे थे. स्लोली वो धीरे 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 वो मोटिवेशन का जो चीज़ है वो धीरे धीरे जो कर्व है, एक बार तो आपका इतना हाई गया, धीरे धीरे वो क्या होता गया, स्लो डाउन होता गया. ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जो आपको अगर मिलता जा रहा है, आप सुनते जा रहे हैं, वो आपका मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है, नहीं सुन रहे तो वो घटता जा रहा है. इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है सेल्फ मोटिवेशन, जो आपको खुद से लानी है. आपको पता है कि आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है जो इतना इजी नहीं है. सबको पता है कि जो कंपटीशन है नीट या जेई के लिए वो कितना ज़्यादा है, राइट? तो उस कंपटीशन के प्रेशर को झेलने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन होना कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये, मेरे को ये अचीव करना है और ये मेरा गोल है, ये सारी चीज़ें अपने ब्रेन में रखते हुए डेली अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, राइट, आई विल श्योरली डू इट. सो ये चीज़ें अपने ब्रेन में रखते हुए एक सेल्फ मोटिवेशन वाली जो चीज़ें हैं वो आपको मेंटेन रखे चलनी है. तो जो आपका कंक्लूजन है वो यही है इसमें, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, राइट, जो आपकी अंदर से आनी चाहिए. नेक्स्ट क्या चीज़ होनी चाहिए आपकी? सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, राइट. हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, हम बात करते हैं उस सराउंडिंग में फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, आपके क्लासमेट्स की, आपके पीयर्स की, ये सारे लोग जो हैं ये आपके आसपास की सराउंडिंग को क्रिएट करते हैं, राइट. अपनी प्रिपरेशन की जो भी आपका टाइम है, ड्यूरेशन है, उसमें अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो आपको पुश करे किसी चीज़ को करने के लिए. ऐसा ना हो कि वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, राइट. क्योंकि ठीक है, आपके अंदर से मोटिवेशन है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो मोटिवेशन क्या होने लग जाएगी, आपको अपने कैलिबर पे क्या होने लग जाएगा, डाउट होने लग जाएगा. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो आपको एक अच्छी गाइडेंस या एक अच्छा मोटिवेशन या आपको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक साहस जो है वो देते रहें, राइट. तो सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल. थर्ड क्या है? क्रिएट एंड स्टिक टू अ टाइम टेबल, राइट. अगर हम किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, डजंट मैटर कि वो नीट के लिए है या जेई के लिए है, आप जब भी किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी होता है. उस कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है. उस टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखें और इस तरीके से रखें कि आप उसको अचीव कर पाएं.
जब आप वो छोटे छोटे टाइम टेबल्स को अचीव कर पाएंगे उसे थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाइए और इस तरीके से बनाइए कि वो आपके अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे, राइट। सो कंसिस्टेंसी, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल, उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है आपको नीट एग्ज़ाम में थ्रू आउट ये प्रोसेस, आपको मोटिवेटेड रहने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। फिर हम बात करते हैं ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल अचीवेबल गोल्स, राइट। अगर हम नीट या जेई दोनों की ही बात करते हैं, दोनों के सिलेबस आपके वास्ट हैं। जेई का तो मैं कहूँ वास्ट के साथ साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स और भी ज़्यादा है, राइट। नीट का भी सिलेबस बहुत वास्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा कि आज तो मैं 3-4 चैप्टर कर लूँगा, अरे सब हो जाएगा, नहीं। अपना जो टॉपिक्स है एक पर्टिकुलर चैप्टर्स के, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मेजर टॉपिक्स है जो आएंगे, उन्हें उठाएं, उन्हें समझें कि मेरे को कितने टाइम लगेगा। ऐसे अपना पूरा जो सिलेबस है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, उस पूरे सिलेबस को छोटे 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 ग्रुप्स में क्या करें, बांट लें। जब आपके वो छोटे छोटे ग्रुप्स में वो डेली टारगेट्स बनेंगे, वो अचीव होंगे, यू विल फील मोर मोटिवेटेड, राइट। आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको लगेगा मुझे अरे ये वाला टारगेट भी अचीव करना है, अरे ये वाला भी करना है टॉपिक। तो ये वाला जो चीज़ है थ्रू आउट, आपको ये मेंटेन रखना है अपनी प्रिपरेशन की प्रोसेस में, और जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं उन्हें कंप्लीट करके कोशिश करनी है कि आप अपने बड़े टारगेट्स को उनकी हेल्प से अचीव कर पाए। नेक्स्ट है आपका स्टे फिट एंड हेल्दी, ठीक है। हम मान लीजिए आप 11th 12th और 12th के बाद भी अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो आप उसमें पूरा कॉन्टीन्यूसली बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ बैठ के प्रिपरेशन करने से कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर हो सकता है आपको हेल्दी फील ना हो, आपको नींद ना आए, या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग जाए, रिलैक्स फील नहीं कर पा रहे, फ्रेश फील नहीं कर पा रहे। तो थ्रू आउट जो आपका डे है, fix a certain period of time for the exercise, जैसे कहा 30 minutes लो बिल्कुल, या तो आप हो सकता है कि बहुत कोई exercise है, योगा है, ये सब कर रहे हैं, meditation कर लो, वो भी नहीं हो पा रहा है कि मेरे तो बस की नहीं है ये सब, तो आपको क्या करना है, आप अपना जो favorite hobby है आपकी, उसे अपना जो daily routine है उसमें लाने की कोशिश करो। That will give you intrinsic happiness, right, to do the further preparation or do the further study, क्योंकि आपको throughout पढ़ना है, वो पूरे दिन stick एक book में आपको देखते देखते पढ़ते पढ़ते, at some point of time you'll feel like कि मेरा brain जो है वो थक गया है। उस brain को fresh करने के लिए हम ऐसी process या ऐसी exercise या ऐसी activities अपनी daily routine में indulge करेंगे, right? Last is remind yourself about your goals. हम बीच में मान लो अपना एक साल, हमने 11th 12th प्रिपरेशन किया, आप एक साल जॉब ले रखा है उसकी प्रिपरेशन में हो, एक दो महीना हुआ, तीन महीना हुआ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील लाइक कि मैं यहाँ हूँ, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत आगे निकल गए हैं, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा आप डीमोटिवेटेड होंगे, थोड़ा सैड फील करेंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये सोचना है कि मेरा सिर्फ ये गोल है और दिस ईयर आई विल क्रैक इट। अपने गोल्स को बार बार खुद को रिमाइंड कराना है ताकि आप अपने मेजर गोल से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद करें, क्योंकि वो हो सकता है किसी और स्टेज पे हो, उनका जो पूरा थ्रू आउट जो प्रोसेस रहा होगा प्रिपरेशन का, वो अलग सिनेरियो हो सकता है, आपका अलग है। अपने पे फोकस करो, कंपेयर करना बंद करो, अपने गोल्स को ध्यान रखो। आपका सिर्फ जैसे होता है ना एकलव्य का जो मतलब दृष्टि थी वो अपने निशाने पे थी, वैसे ही आपका जो निशाना है वो आपका गोल होना चाहिए, जो कि होगा नीट या जेई को क्रैक करना, राइट। नेक्स्ट है बिलीव दैट यू कैन डू इट। हमेशा अपने आप को कहना है कि मैं कर लूंगा, जब मैं इतनी प्रोसेस में आ चुका, जब पहले आपने डिसाइड करा होगा कि मेरे को ये करना है, मतलब तभी आपको पता था कि यू हैव दैट कैलिबर ना, कि मैं कर लूंगा। तो उस वाले कैलिबर को मेंटेन रखना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन प्रोसेस, और अपने आप को हमेशा कहते रहना है अंदर से कि दैट यू विल डू इट, यू कैन डू इट, और आप जो भी नीट या जेई का एग्जाम है वो क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो हम शुरू कर सकते हैं टॉपर्स अकेडमी के साथ। हम
प्री फाउंडेशन कोर्स 7th to 10th और आपका फाउंडेशन कोर्स 11th 12th एंड आफ्टर योर 12th जो ड्रॉपर्स है वो सारे बैचेस हम कंडक्ट करते हैं. आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं उन बैचेस में टू कीप योर मोस्ट सेल्फ मोटिवेटेड टू गेट द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड टू गेट द प्रॉपर गाइडेंस टू गेट द लाइक दैट सीक्रेट्स टू क्रैक दोज एग्जाम. सो #तैयारी नीट और जेईई की. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.